सो कैसे फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शौर्य, और ये है काजल। और आज हम जा रहे हैं कोरोना टेस्ट के लिए, क्योंकि कल रात को हम आए हैं घर, और हमारे घर में दो दो बालक हैं, छोटे छोटे बालक ही हैं वो, बालिकाएं थोड़ी ना है। तो कल आएंगी बालिकाएं, कल कंच के वो जो आएंगे ना, हम और हमें अपने घर से बेघर कर दिया गया है। बेघर कर दिया गया, हमें घर में जगह नहीं मिली। कल जैसे ही हम रात को आए, वहीं से हमें कहा कि चलो छत में सो तुम। हमें मच्छर जाने की जरूरत नहीं है, मच्छरदानी दे दी गई हमें, और सबसे ऊपर टैंकी के पास हमें मच्छर नहीं था, मच्छरदानी। आ जा तू भी, आ जा आप हमारे पास। ये हमारे पास नहीं आ रही है लड़की, मैंने रूम दिया है तुम्हें, मैंने रूम दिया, ये नहीं तुम्हें छत पे खुले छत पे सुलाया, गलत नहीं बोलना कभी। ठीक है, रूम दिया भाई, रूम दिया, रूम दिया है हमें, हमें घर में नहीं घुसने दिया। घर में क्या, टचिंग में तो बिल्कुल नहीं, जब तक कोविड टेस्ट नहीं होंगे तब तक बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, इसीलिए अभी हम जा रहे हैं कोरोना टेस्ट के लिए। चलो अभी हम चलते हैं फिर। सो गाइज, हमेशा ध्यान रखो, हम जा रहे हैं अभी फिलहाल कोविड टेस्ट करवाने। तो आप भी जब भी दिल्ली मुंबई ये सब में बहुत ज्यादा केसेस हैं, बहुत तो अपनी सेफ्टी के लिए ही, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए हमेशा ध्यान रखो कि इवन आप दिल्ली मुंबई की कहीं से भी अपने परिवार के पास जा रहे हो तो कोरोना टेस्ट जरूर करवाओ, क्योंकि मतलब अपनी सेफ्टी के अपने, लिए अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए कराओ बिल्कुल, क्योंकि मेन क्या, घर में छोटे छोटे स्पेशली जब बच्चे हो घर में ना, तो जरूर करवाना। और अपनी मम्मी पापा, क्योंकि वो काफी मतलब ओल्ड एज हो रखे हैं, तो जरूरी है इन सब चीजें, क्योंकि इस टाइम पे इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं। मेरे खुद के फ्रेंड्स लोगों के आ रहे हैं कि यार ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब अवेलेबल नहीं है। कल मैं बात बताऊं, इसकी कोई फ्रेंड आई थी, इसकी फ्रेंड का किसी को कॉल आया था कानपुर से, उसके पापा को सिलेंडर चाहिए था, मतलब हॉस्पिटल में थे, लेकिन उनका मतलब 50 से भी कम चला गया था उनका ऑक्सीजन लेवल, और कहीं से भी इसने सुबह से शाम, क्या इसने मुझे भी बताया, हमने पूरा कोशिश किया कि कहीं भी सिलेंडर मिले, मिल जाए। हमने इतनी हेल्पलाइन नंबर्स, मेरे सारे इवन सबको थैंक यू सो मच, जो भी मेरे फेसबुक में जो भी मेरे से लोगों ने मेरी हेल्प की, इंस्टाग्राम के थ्रू हेल्प की, जितने लोगों ने भी, सबको थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आगे भी सबकी हेल्प करते रहो, क्योंकि इस टाइम पे सच में एक दूसरे की हेल्प करना भी बहुत जरूरी है, जितना हो सकता है सामने वालों के लिए उतनी हेल्प करो इस टाइम पे। लेकिन वही है, बट फिर भी सिलेंडर नहीं मिला, बट इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज उस चीज के लिए ये है कि वो वैसी नौबत ही ना आए, तो पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलो, और जैसे अभी हम जा रहे हैं, और तो बस यही है। यहाँ तक मतलब चला गया, यहाँ तक चला गया, यहाँ तक गया था। क्या चालू लड़की है तू, तो मेरे को तो कोल्ड हो गया, एकदम हिट लगता है जब वो करते हैं ना। और अभी दोनों का हो गया हमारा कोरोना टेस्ट, अभी रिपोर्ट आएगी, 15 मिनट में रिपोर्ट आएगी, तब तक हमें वेट करना होगा। और ये एक्सपीरियंस भी सही है। तो अभी हम आए हैं हमारी छत पे, और आज काजल दे रही है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ हमारे प्लांट्स। और रंजना, आप इस चीज़ को देख के काफ़ी अच्छा फील करोगे, क्योंकि आप आपके घर में भी काफ़ी सारे प्लांट है ना। और ये मैडम पानी दे रही है, ओहो, नीचे किसी को भिगाओ मत, दियो होली मत खेल लियो, है होली ऐसी खेली थी ना तुमने। ये बेसिकली बैकग्राउंड है भाई की, जो वो वीडियोस बनाता है योगा से रिलेटेड, और कुछ भी मोटिवेशनल वीडियोस उसकी जो भी होती हैं, तो उसमें कई बार आपने देखा होगा बैकग्राउंड ये होता है। बोल्टी पेट भर गया, अभी नहीं भरा बोल्टी को पेट। तो अभी हम पहुंचे हैं मूर्थल, आप सोच रहे होंगे मूर्थल कहाँ से आ गए हम एकदम से, और एक्चुअली हम
कल ही घर आए थे यमुनानगर, लेकिन आज हमें वापस जाना पड़ा दिल्ली क्योंकि 24 तारीख की मेरी एक शादी थी, तो उसका डेकोर मैंने ले रखा था, तो वो वेडिंग हो गई है। जैसे कि हालांकि 800 लोगों की गैदरिंग थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है सिर्फ 100 लोग, 50-50 मतलब 50-50 लोग अलाउ कर दिए, टोटल 50 हो गया काम। तो जो पहले मैंने बुक करा हुआ था 800 गैदरिंग का, वो पैलेस था, लेकिन पार्टी का मुझे कल ही कॉल आया तो उन्होंने मुझे बोला है कि अब वो वैसी नहीं, मतलब उस पैलेस में नहीं कर रहे हैं शादी। तो एक तो सबसे पहले तो पार्टी का उस पैलेस का एडवांस चला गया, हालांकि एडवांस वापस देने की बात नहीं हुई है, वो कहेंगे आगे कभी किसी भी वेडिंग या कोई भी फंक्शन आपको करना हो तो वहाँ पर हम आपका एडजस्ट कर लेंगे। जो मेरे को डेकोर का मिला था बिज़नेस, वो अभी मेरे को काफ़ी छोटे लेवल में करना होगा, तो उसी के लिए अभी मेरे को क्लाइंट से मिलना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो मन हमारा ये था कि एक हफ्ते का जो पूरा लॉकडाउन लगा है, पूरे लॉकडाउन में हम घर ही में रहेंगे, मस्ती करेंगे फुल ऑन, क्योंकि दिल्ली में तो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अफसोस मुझे जाना पड़ा। हाँ गाइस, मेन तो ये है कि ऑब्वियसली नवमी एक हफ्ते का लॉकडाउन क्या, वो तो लास्ट में मम्मी ने बोला था कि 19-20 तारीख को आ जाना तुम लोग, मतलब कंच के जमानी है हमारे नवरात्रों में, लास्ट दिन हरियाली को जो बोया जाता है एक हफ्ते की 9 दिन की, उसको कट किया जाता है, तो फिर लास्ट में हम कंच के जमाते हैं, एज यू नो सब लोगों को पता ही होगा, तो उसके लिए आना था, वो तो काम हो ही गया पूरा। तो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली, तो चलते हैं फिर। होप सो हमारी रिपोर्ट नेगेटिव ही आई है तो मेरे को ट्रब टेंशन हो रही थी, जब मैं टेस्ट करवा रहा था मैंने कहा साला पॉजिटिव ना आ जाए फीवर निकाल, क्योंकि ये तो खोंग खोंग कर रही थी, मतलब इसका तो कोई ना डाउट है, लेकिन नहीं, होप तो नेगेटिव ही आई रिपोर्ट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो ठीक है, अब तो हमें कहीं भी घूमने जाना पड़े ना, ये रिपोर्ट जाएंगे सीधे निकल पड़ेगा। यहाँ की एक मैं फेमस चीज़ दिखाता हूँ गरम धर्म की, वो है ये कैमल, प्यारा सा नोनो दराज। कितनी उम्र होती है इनकी अमूमन? इसकी भैया हवा मंड उसकी तो 32 वैसे 30 साल हो जाती है। चलो बाय। सो ये देखो, ये हो रहा है किसानों का धरना प्रदर्शन पिछले डेढ़ साल से, और भाई हमें रोड के किनारे पूरा फूल, यहाँ पे आपको एसी दिखेंगे, इनकी मशीनें दिखेंगी, कई लोगों का कहना था इन्होंने जेट पंप भी खुदवा दिए हैं यहाँ पे पानी के लिए, ऐसे लग रहा है कि किसी गांव में आ गए होंगे। पर ये प्लस पॉइंट है कि ये लोग किसी को तंग नहीं कर रहे फिलहाल इस टाइम। तो मुझे तो लगा ये मतलब सिर्फ मेल आदमी लोग ही बैठे हैं यहाँ, तो आंटी लोग सब बैठे हैं, दादी दूदी पूरा परिवार ले आए हैं सब लोग। ये देखो कूलर एसी सब मिलेंगे आपको, बस नीचे कमेंट करके बताना यार, मतलब एक्चुअल में मतलब फॉल्ट किसका, कमी किसकी साइड से आ रही है, गवर्नमेंट की साइड से या किसानों की साइड से, क्या किसानों को मान जाना चाहिए या फिर निगोशिएबल, तो पता नहीं डेली कितनी इनकी बैठकें हो रही हैं, अभी तक सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा। भाई ठंडे कैसे हैं मैं, ये देखो इधर कूलर वाटर कूलर पानी हमारे लिए रखा है सबसे, लेकिन बेस्ट बात यही है कोई एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे, कोई गाड़ियों को नहीं रोक रहे। ये देखो ऑलमोस्ट सारा बंद है आज, बस गिनती की 2 बसें और मुझे लग रहा है बस भी खाली होंगी, सी सारी बसें खाली हैं, और बस गवर्नमेंट ने उन्हें ही अलाउ किया जो अर्जेंट काम से अपने बाहर निकले हैं, वो भी अर्जेंट काम अगर पुलिस रोकती है तो उन्हें बताना पड़ेगा, प्रॉपर क्लेरिफिकेशन देनी होगी कि क्यों हम लॉकडाउन में भी ट्रेवल कर रहे हैं। सो वी हैव अ सॉलिड रीजन बिहाइंड दिस। फोन बज रहा है मैडम का लेकिन उठ नहीं रही, अदरवाइज का फोन बज रहा होता ना, और तो ये सोई भी हो तब भी फोन से पता चल जाता है इसका बज रहा है, देख कहा है ना, मैं तेरे को बताता हूँ, अगर इंसान सो रहा है तो ठीक है, लेकिन सोने की जो एक्टिंग कर रहा है ना उसे कोई भी नहीं जगा सकता। जो इंसान सो रहा है उसे तो इंसान एक बार जगा भी सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे जिंदगी में कोई नहीं जगा सकता, याद रखना। तो इस मैडम मम्मी ने घर से पूरी और छोले भेज रखे हैं, वो हम खाएंगे, इस मैडम ने अभी बनाई है दाल, और मेरी हालत हो गई है पस्त, मैं तुमसे ज्यादा खराब है।
क्योंकि मुझे लग गए हैं दस्त। ओए झूठे बेटा बोल रहा है गंदा। देखा मैं स्टार यूं मांग दो मैं रैमिंग तो मेरी ऐसी होती है। मेरी हालत हो गई है खस्त। ओ मेरी हालत हो गई है पस्त क्योंकि इसे लग गए हैं दस्त। और एक्चुअल में इसे दस्त लग गए स्टाइल। तो गाइस आप वीडियो को एंड करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ क्योंकि मेरे से इतनी मतलब ठीक है ड्राइव करना मुझे पसंद है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। मेक श्योर घर से बहुत कम निकले जरूरत हो तभी निकले। राइट एंड सेकंड थिंग ये कि बहुत ही जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो घर से बाहर निकल रहे हो अपनी फैमिली के पास जा रहे हो एक बार अगर आपका टेस्ट भी अगर नेगेटिव तब भी अपने आप को कम से कम 7 days के लिए क्वारंटाइन जरूर करें जैसे हमने खुद रखा है। अभी गाइस हम गए थे लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपकी मेरी फैमिली दूसरे घर में रही थी हम दूसरे घर में रही थी मम्मा नीचे रहे थे हम स्पेशल काजल लोग हम लोगों ने एक दूसरे को टेस्ट तक नहीं किया ना ही बिल्कुल मिले क्योंकि हमें जाना था और हमें आना भी था क्योंकि इनका काम का ऑलरेडी इनके काम ऑब्वियसली वैसे हम प्लान आउट करके गए थे कि आराम से रहेंगे तो 2-3 दिन क्वारंटाइन करके तो मतलब इमरजेंसी में हमें आना पड़ गया। तो मेक श्योर नेक्स्ट वीक जाएंगे ना मैं जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है बट शी इज राइट दूरी बना के रखो नेगेटिव आए तब भी अगर कहीं बाहर से घर जाते हो तो 2-3 दिन एटलीस्ट पास मत जाओ गाइस बस यही चीज है। तो ठीक है इनफ फॉर टुडे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जो मेन चीज है वो भूल जाती है लड़की यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स लाइफ और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सारी वीडियोस की आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय और हैप्पी नवरात्रि। रात खत्म हो गया कहाँ खत्म हो गया आज तो कंचके भरी पड़ी है भोग पड़ा हाँ तो आज कंचके एंड हुई है तो तब तक के लिए तो हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन बाय गुड नाइट सोएंगे हम आराम से इसका हाथ नहीं जा रहा मेरे जाएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.